सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का 13 और 14 मार्च। मार्च महीने के ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, ग्रह नक्षत्रों की क्या चाल है, कैसे परिवर्तन हुए हैं, इसका असर आपके इन दो दिनों के दैनिक राशिफल पे क्या देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये पूरी वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए काम करती है, यानी कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ही काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये दो दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। दोस्तों इन दो दिनों में बातों में अस्पष्टता रखें, पारदर्शिता रखें। जो भी बात बोलें किसी से अगर बात करें तो उसमें अस्पष्ट बात कहें, सामने वाले को समझाने में आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपकी कही गई बातें सभी को समझ में आनी चाहिए। दोस्तों इन दो दिनों में नौकरी में प्रयासरत, जो यानी कि नौकरी के लिए जो मेहनत कर रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे, लोगों को नौकरी ढूंढने में कुछ समस्या आएगी, इसको लेकर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों बिजनेस में भी मनचाही सफलता प्राप्ति के लिए आपको धैर्य इन दो दिनों में बनाए रखना होगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए ये दो दिन बहुत ही अच्छे हैं। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस से थोक कारोबारियों को अच्छा लाभ हो सकता है। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए दो दिन नॉर्मल ही रहेगा, कुछ खास नहीं रहेगा, सामान्य ही बीतेगा। सेहत को ध्यान में रखते हुए तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लीजिए। परिवार में विवादों को सुलझाने का प्रयास करिए और उसमें बहुत हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। दोस्तों ये दो दिन जिन लोगों का जन्मदिन है, किसी भी दिन आज या कल पड़ता है, उनको गुरु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों जिनके गुरु नहीं हैं वह हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, अपना गुरु मानकर उनसे चल रही आपदा यानी कि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, बजरंगबली अवश्य आपकी पुकार सुनेंगे। ये दो दिन भीतर की एक नकारात्मक चीज़ों का त्याग करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों ऑफिस के लोगों के प्रति सौम्य यानी कि मधुर व्यवहार करना है आपको, इससे सभी को प्रसन्नता मिलेगी। दोस्तों जिन लोगों ने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना रखा है, उनको जीवन साथी के भाग्य से कुछ लाभ मिलने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं इन दो दिनों में। जो लोग काफ़ी समय से बीमार थे उनको अब स्वास्थ्य में आराम मिलेगा धीरे धीरे। परिवार के लिए जो ये दो दिन हैं इसमें परिवार वालों के लिए भी वक्त निकालने का प्रयास करिए। ये दो दिन शांत और उत्साहित रहने का प्रयास आपको करना है। नौकरी से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा, अन्यथा डेटा लॉस होने की संभावनाएं हैं। काम में ऊर्जा की अधिक रहने वाला है, अधिकता चाहिए आपको। यदि आप ऑनलाइन कोई कोर्स आदि करना चाहते हैं तो समय इसके लिए ये दो दिन बहुत ही उत्तम चल रहे हैं। फाइनेंस से संबंधित बिजनेस करने वालों को लाभ होगा। विद्यार्थी वर्ग स्वभाव पर अपने ध्यान दीजिए, नहीं तो दूसरों के सामने आपकी मानहानि हो सकती है, शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। अस्थमा रोगी ये दो दिन में सचेत रहें, बच्चों के साथ कोई इंडोर गेम खेल सकते हैं। घर के बड़ों के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। जरूरतों को पूरा करने में थोड़ा व्यस्त भी आप रहेंगे ये दो दिनों में, घर वालों के बच्चों की जरूरतों पर आप थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। ये दो दिन जो है निराशा को पीछे ढकेलने के लिए, कठिन परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बना है। ऑफिशियल स्थितियों की बात की जाए तो सहकर्मी जो हैं अधीनस्थों के बदले स्वभाव परेशान कर सकते हैं, लेकिन समय की गंभीरता को समझते हुए धैर्य रखना है आपको। बिजनेस में नई शुरुआत के लिए पैसे की तंगी रहेगी, इसलिए कुछ दिन और रुक जाइए ही तो आपके लिए बेहतर रहेगा। युवाओं के लिए दिन कई जगहों पे सामान्य भी बीतेगा। यदि किसी गंभीर बीमारी के चलते आप जो है परेशान चल रहे थे तो दवाइयों का सेवन करते रहिए, इसे
दवा मिस मत करिए, खाना ना भूलिए, दवा का रेगुलर सेवन आपको करना है। पारिवारिक अनुष्ठान या कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का प्रयास करिए, रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करिए दो दिनों में। तो दोस्तों ये था आपके दो दिनों का दैनिक राशिफल। आने वाले दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे इस वीडियो में हम लोगों ने यही जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये दो दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।